जैन साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें कि हम लोग करेंगे सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स का जो अलग मैंने सीरीज चलाया है, इस पर मैंने और भी सारा वीडियो बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, सिनोनिम्स के प्लेलिस्ट में, और जाकर देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश और ये क्लास जो मिलेगा आपको, ये क्लास है 39 ग्रामर का, ठीक है। तो मैं शाम में एक पैसे लेके आऊँगा आज, ठीक है। और मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर, और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर, ठीक है। और जो शेयर आपका जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो शेयर जरूर करें आप, ठीक है। रिकमेंड वीडियो को, और जो भी आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप भी मुझे हो तो, देखिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ और लेके जाता हूँ पहले क्लास पर, ठीक है। टाइम बचेगा तो ज्यादा बात करूंगा, और कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और देखना आपकी आप 10 आपका सिनोनिम्स में से कितना कर पाते हो। अगर आप प्लस क्वेश्चन कर पाते हो, कर पाते हो इसमें, तो समझ लो जो आपका इंग्लिश का जो वर्ड है, वोकैबुलरी जो है, एक अच्छे लेवल पर है, ठीक है। तो कोशिश करें कि कम से कम 7 क्वेश्चन आप आंसर जरूर दें। अगर 7 से भी कम हो रहा है, अगर 3-4 भी बन रहे हैं, 2 भी बन रहे हैं, तब भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपके इसमें से कितने बन रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला वर्ड है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट के लिए 4 वर्ड दिया गया है, सरेनिटी, सेवरी, अनविलिंग, मेलंकली। मैं 4 वर्ड पढ़ता हूँ और आप देख लें कि आप इन 4 में से कौन आपका आंसर हो रहा है। इसे आप नोट में बनाएं आप, ठीक है, नोटें बनाएं आप और मुझे बताएं कि इसमें कितना आपका सही हो रहा है। और ये भी देखें कि आपका, देखो ऐसा नहीं है कि सिनोनिम्स का मान लो इसका आंसर कोई एक आपका हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर अगर ये हो रहा है तो बस आपको करना है, आपको ये भी करना है कि आपको ये भी इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए, इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो मेरा मन नहीं रहता है, यानी कि जो इच्छा नहीं रहता है ना, अनिच्छुक, अनिच्छुक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, अनिच्छुक बोलेंगे या फिर असंतुष्ट बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे हम लोग, असंतुष्ट बोलेंगे, ठीक है, और बिना मन से, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिलक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और सेरेनिटी मतलब क्या होता है, सेरेनिटी मतलब होता है शांति, क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है, सेरेनिटी मतलब क्या होता है, शांति होता है। स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है, गुलामी होता है, क्या होता है, गुलामी, ठीक, गुलामी जानते हो ना, गुलामी। अनविलिंग मतलब क्या होता है, जो रिलक्टेंट का मतलब होता है वही क्या होता है, अनविलिंग का, बिना मन से, बिना इच्छा का, ठीक है, अनिच्छुक होता है, ठीक है, अनचाहे होता है, अनविलिंग होता है, ठीक ना, अनविलिंग। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, यहाँ पर अभी आंसर इसका हो रहा है अनविलिंग। और मेलंकली मतलब क्या होता है, मेलंकली मतलब होता है क्या, उदासी होता है, क्या होता है, उदासी, उदासी होता है, ठीक है, उदासी बोलें या सुस्ती बोलेंगे, सुस्ती बोलें, ठीक है। इसका आंसर आप क्या दोगे, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी दोगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि जितने सारे बच्चे देख रहे हो ना, लाइक आप जरूर कर देना। आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो आप, तो आप लाइक अभी लाइक कर दो आप, ठीक है, लाइक अभी कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया है वन प्लस डिफेंस अकेडमी, आप सर्च कर सकते हो, तो इसमें सारा आपको मिल जाएगा चैनल में जितने सारे हैं। और मैं आर्मी के एग्जाम के लिए पेड कोर्स भी कर रहा हूँ, जो कि चलता है जूम ऐप, ठीक है। तो आप क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इन नंबर पर मुझे आप, ठीक है। चलो अगला आते हैं, अगला क्या है, सफिशियंट। सफिशियंट के लिए 4 वर्ड दिया है, मीगर, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट और किंडल, ठीक है। तो सफिशियंट के आंसर क्या दोगे आप, सफिशियंट का मतलब क्या होता है, सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है, पर्याप्त रूप से होता है सफिशियंट, ठीक है। और मीगर, मीगर मीन्स क्या होता है, मीगर मीन्स क्या होता है, अल्प होता है, क्या होता है, अल्प, अल्प मतलब कम, बहुत कम मात्रा में होता है, क्या बोलते हैं, मीगर बोलते हैं हम लोग। इनएडिक्वेट वही होता है, अपर्याप्त होता है, क्या होता है, अपर्याप्त होता है, ठीक है। इसका मीगर का मतलब, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, इसमें चूज करेंगे तो, लेकिन आपको तो पता करना है सफिशिएंट का, तो इसका क्या होता है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त होता है, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त, ठीक है। और किंडल, किंडल मीन्स क्या होता है, किंडल मीन्स क्या होता है, जलाना, क्या होता है, जलाना होता है, ठीक है, जलाना होता है किंडल, या फिर बोलेंगे तो आग लगाना, क्या बोलेंगे, आग लगाना होता है, किंडल मीन्स होता है। चलो आगे आते हैं, अगले वर्ड, अगला वर्ड जो है ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए 4 वर्ड है, बिलीव, इंटरेस्ट और फॉलोवर और सबऑर्डिनेशन,
ठीक है, तो चार वर्ड है ट्रस्ट के लिए, तो आपका आंसर क्या है आप नोट में, ठीक है। और एक सीरीज चल रहा है ये आपका सिनोनिम्स का, इंग्लिश का जो भी मिल रहा है आपको, तो इसका आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है। और जो भी मेंबर हैं, कोई पहले क्लास मिलता है आप लोगों को पहले क्लास मिल जाएगा, ये तो मैं उम्मीद करूंगा, उनका मैं टेस्ट और टेस्ट भी लूंगा जो आप कितना कर पाते हो आप, ठीक है। चलो तो देखिए, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, क्या होता है, विश्वास करना होता है, क्या होता है ट्रस्ट। तो बिलीव मीन्स क्या होता है, वही होता है विश्वास करना होता है, बिलीव होता है। देखो मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर भूल जाते हो, तो इसका आप हिंदी आप नोट कर लेना जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, सौंपना होता है, क्या होता है, सौंपना, सौंपना यानी कि देना, ठीक है, देना होता है, इंटरेस्ट होता है। फॉलोअर मतलब क्या होता है, अनुयायी होता है, यानी कि जिसको हम लोग मानते हैं ना, जैसे हमारे हम जो मुझे मानने वाले, मुझे समझने वाले क्या बोलेंगे, फॉलोअर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉलोअर बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते हैं लोग ना, तो वो क्या हुए, मेरे फॉलोअर हुए, ठीक है, फॉलोअर। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन क्या होता है, आपके एक होता है अधीनता होता है, यानी किसी पर डिपेंड होना ना, डिपेंडेंस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, डिपेंडेंस, किसी पर डिपेंड होना, क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, विश्वास करना हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले वर्ड पाते हैं, अगला वर्ड है स्लगिस। देखिए स्लगिस, स्लगिस मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, क्या होता है, सुस्त होता है, या फिर निष्क्रिय होता है, क्या होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। देखो मैंने आंसर यहाँ बोल दिया आपको, ठीक है। देखो स्लगिस, इनएक्टिव मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। और स्लिक मतलब क्या होता है, स्लिक मतलब होता है क्या, चिकना होता है, क्या होता है, चिकना बोलेंगे या फिर मोटा बोलेंगे, ठीक है, स्लिक होता है, ठीक है। चलो डम, डम मतलब क्या होता है, गूंगा होता है, क्या होता है, गूंगा होता है या मूर्ख होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब क्या होता है, जो सुस्त नहीं, जो सक्रिय रहता है, उसे एक्टिव कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लगिस का, स्लगिस का हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, जो निष्क्रिय है, ठीक है, जो एक्टिव नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले वर्ड पर आते हैं, शेड्यूल्ड, 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 ठीक है। कोइंसिडेंट, लिस्टेड, डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड, ठीक है। तो शेड्यूल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी मेरा अभी क्लास कोई है, मैं उसको शेड्यूल कर देता हूँ कि अगले टाइम के लिए, या 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शेड्यूल कर देता हूँ, यानी सूचीबद्ध मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सूचीबद्ध करना होता है, ये शेड्यूल होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, कॉइंसिडेंट, कॉइंसिडेंट मतलब होता है क्या, जो जो सेम टाइम पर, समकालिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, समकालिक, समकालिक मतलब यहाँ ये समझ लो, समकालिक मतलब ये होगा कि अभी कोई काम हो रहा है उसी टाइम पर हो रहा है, यानी कि सेम टाइम को, सेम टाइम को क्या बोलेंगे, समकालिक बोलेंगे, कॉइंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो लिस्टेड, लिस्टेड मतलब क्या होता है, वही होता है शेड्यूल होता है, सूचीबद्ध होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट मतलब होता है क्या, मतलब किसी पर बोलेंगे विचार विमर्श करना बोलेंगे, डेलिब्रेट कहेंगे, डेलिब्रेट बोलेंगे, डेलिब्रेट मतलब विचार विमर्श करना आपके फॉर्म में हो जाएगा। और इसका क्या होता है, जानबूझकर भी होता है, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर भी और विचार विमर्श करना भी होता है, इसका दोनों दो मीनिंग इसका होता है, ठीक है। और कैलकुलेटर मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग किया गया, यहाँ पर प्लांट, ठीक है, प्लांट या कोई चीज तैयार किया हुआ, ठीक है ना, प्लांट, ठीक है ना, सोचा हुआ, कैलकुलेटर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, लिस्टेड हो जाएगा। चलो अगला वर्ड जो है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, क्या होता है, सहयोग होता है, कोलैबोरेट मतलब सहयोग। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, संबंध बताना होता है। सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। कोऑपरेट मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, यही होता है, सहयोग होता है, जो यहाँ की पहला वर्ड में दिया है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका, कोलैबोरेट मतलब क्या हो जाएगा, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, सहयोग, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला वर्ड जो दिया है इंडिजीनस, इंडिजीनस, इंडिजीनस मतलब क्या होता है, स्वदेशी होता है, क्या होता है, स्वदेशी होता है, जो अपने देश में कुछ उत्पन्न किया जाता है, कोई बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिजीनस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडिजीनस बोलेंगे। नेटिव, नेटिव इसके लिए वर्ड है, नेटिव है, अब्रॉड है, टेम्प्रोरी है, सिटीजन है। तो इंडिजीनस के लिए क्या आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। नेटिव क्यों हो जाएगा, नेटिव मतलब क्या होता है, वही होता है, घरेलू होता है, स्वदेशी होता है, नेटिव होता है, ठीक है। अब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेशी होता है, ठीक है। टेम्प्रोरी मतलब क्या होता है, तत्कालिक होता है। सिटीजन मतलब जानते ही हो, ठीक है। तो सिटीजन हम लोग के इंडिया के सिटीजन है, नागरिक है, नागरिक बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
जाएगा इंडिजिनस के लिए हो जाएगा, ठीक है। और आप मुझे ये जरूर करना, आप नोट बनाना कि आपका इसमें से कितना वर्ड पता है आपको, ठीक है, कितना आंसर कर पाते हो, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है मैग्निफिसेंट के लिए चार वर्ड है, क्लियर, एस्प्लेंडिड, क्लेवर, वाइज, ठीक है। तो मैग्निफिसेंट का क्या होता है, मतलब होता है क्या, शानदार होता है, क्या होता है, शानदार, क्या होता है, शानदार, शानदार बोलेंगे, या फिर बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आलीशान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आलीशान, आलीशान, ठीक है, आलीशान बोलेंगे, ठीक है, या तेजस्वी बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा और क्या होता है भयानक होता है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, शानदार, आलीशान, क्या आलीशान बंगला ना, बंगला बोलते हैं ना, ठीक है। उस तरह से क्लियर, क्लियर मतलब क्या होता है, एकदम साफ होता है, क्लियर मतलब क्या, साफ सुथरा होता है, स्प्लेंडर मतलब क्या होता है, शानदार होता है, क्या होता है, शानदार, ठीक है, शानदार, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग होता है मैग्निफिसेंट का, स्प्लेंडर होता है, ठीक है। अगला है क्लेवर, चालाक, वाइज मीन्स बुद्धिमान, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है जिंगल, ठीक है, जिगर मतलब क्या है, जिगर, जिगर मतलब क्या होता है, जो एक चलो यहाँ मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, मैं लेकिन चार वर्ड है, टोटर, चैप, लाफिंग इन अ सिली वे, विप, ठीक है। जिगर मतलब क्या होता है, हियाना होता है, क्या होता है, हियाना होता है, जैसे मतलब क्या, हंसते तो है लेकिन विप की तरह जो हंसना होता है ना, मूर्ख की तरह हंसना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिजल बोलेंगे, ठीक है। तो टिकट, यहाँ अगला वर्ड है टोटर, टोटर मतलब क्या होता है, यहाँ पर लड़खनाना होता है, क्या होता है, लड़खनाना होता है, ठीक है, क्या होता है, लड़खनाना होता है। चैप मतलब क्या होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है भूसा, भूसा जानते हो ना, गाय भैंस को खिलाया जाता है भूसा। लाफिंग इन अ सिली वे, वही होता है, जिजल होता है, ठीक है, लाफिंग इन अ सिली वे, वे मतलब रोना होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लाफिंग इन अ सिली वे, ठीक है। चलो अगला वर्ड है इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए चार वर्ड है, सोरो, क्वालिटी, प्लेजर, सेरेमनी। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब क्या होता है, आनंद होता है, क्या होता है, आनंद, आनंद होता है, ठीक है ना, आनंद होता है, ठीक है। तो इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए चार वर्ड है, आनंद, सोरो, क्वालिटी, प्लेजर और सेरेमनी। तो देखो सोरो मीन्स क्या होता है, दुख तकलीफ होता है, ठीक है, क्वालिटी मतलब जानते हो गुण होता है, प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद होता है, खुशी होता है, सेरेमनी मतलब क्या होता है, सेरेमनी मतलब होता है, ठीक है, सेरेमनी, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। अभी देखिए मैंने 10 वर्ड करवाया है, 10 वर्ड सेंटेंस करवाया है, इसमें कितना वर्ड आपका सही होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर कोई क्लास लेना है, कोई क्लास कोई रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या अपने फ्रेंड को आप रिकमेंड कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, आर्मी के रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। तो इतना है आज के लिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।